27 मार्च 2024 के दिन एक मसाला मार्केट में स्वस्तिक ट्रेडिंग करके कंपनी है, उसके मालिक है रौनक भानुशाली। वो पुलिस स्टेशन में आए थे, उनके साथ उनके दुकान में काम करने वाले एक नौकर है राकेश पटेल, उनको वो लेके आए थे। और उनकी तकरार थी कि उस नौकर को 2 महीने पहले काम पे रखा गया था और उसने उनके दुकान से 23 किलो जो इलायची होती है उसकी चोरी की है, ऐसी उनकी तकरार थी। जब पूछताछ की गई इस मामले में तो जानकारी मिली कि उस जो नौकर था उसको भी बुरी तरह से चोटें लगी हुई है और वो घायल है। इसकी और जानकारी लेने के बाद उस नौकर को हॉस्पिटल में भेजा गया, तो उसके और जो बेसिक उसकी जो चेकअप है वो करके लेके लेके उसको वापस बुलाया गया। इस मामले में 2 केसेस रजिस्टर की गई एपीएमसी पुलिस स्टेशन में। एक जो मालिक है दुकान के उसकी तकरार लेके एक एफआईआर किया गया कि नौकर ने चोरी की है, वो एक केस रजिस्टर हो गई। और दूसरी वो जिस नौकर को लगा था राकेश पटेल, उनकी फरियाद ली गई, उनकी एफआईआर ली गई। और ये जो मालिक है और दूसरे नौकर जो मालिक के पास काम कर रहे हैं पुराने नौकर, उन्होंने मिलके इस जो महेश पटेल है उसको बुरी तरह से हाथापाई करके और लाठी से मारा था। उसके बाद में उसके वीडियो निकाले गए और ये गुनाह उसने ही किया है ये कबूल करने के लिए उसको उसके तरह से भी उसको वीडियो बनाए गए थे। इसकी तकरार ली गई और ये मालिक और उसके जो पुराने नौकर है ऐसे 6 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया 27 तारीख को, और उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया और उनका पुलिस कस्टडी रिमांड 30 मार्च 2024 तक पुलिस को मिला है और इस मामले की तहकीकात आगे कर रहे हैं। जो राकेश पटेल है जिसकी हमने एफआईआर ली है, उसने उसमें तकरार में उसने मेंशन किया है कि उसको मार के उसके जूता उसको चटवाने लगा है। उसकी हम जानकारी ले रहे हैं और उसकी भी हम आगे तहकीकात कर रहे हैं। सर, ये तेज अभी भी उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके बारे में हम और भी तहकीकात कर रहे हैं। सर आपके सवाल कर रहे, वो तो जैसे इन्वेस्टिगेशन अगर ये इसमें नहीं है तो इसको निकाला जाएगा और दूसरा कोई उसमें रहेगा तो उसको लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।